देश में छठे चरण का मतदान पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और अब आखिरी सातवें चरण का मतदान होना बाकी है। पूरे देश को 23 मई का इंतजार है कि हिंदुस्तान में नई सरकार किसकी बनेगी। और उससे पहले 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो उससे पहले हम एक विश्लेषण हम लोगों ने किया है, हमारी टीम ने किया है, और रिटायर्ड बैंकर और लेखक हैं वेद प्रकाश माथुर, उन्होंने एक विश्लेषण किया है राजस्थान की राजनीति को लेकर कि राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीट है उसके ऊपर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, भाजपा का या कांग्रेस का। देश में सभी को इंतजार है लेकिन सबकी निगाह, क्योंकि हम एक क्षेत्रीय मीडिया है इसलिए हमारी निगाहें राजस्थान के ऊपर टिकी हुई है और राजस्थान की 25 सीटों के ऊपर हमारी निगाहें बनी हुई है। तो शुरुआत आज के कार्यक्रम में हम करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा की कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी रणनीति साकार नजर आई, वोटर को लुभा पाई है, उसका एक पूरी तरीके से विश्लेषण किया है वेद प्रकाश माथुर ने। उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कहां से कौन सी पार्टी जीत रही है। तो शुरुआत सबसे पहले स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत हम आज करेंगे कि इस चुनाव में आपको क्या लगा कि वोटर को कांग्रेस और भाजपा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लुभा पाई और लोगों ने जमकर वोटिंग भी की। जब आप टेलीविजन को देखते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये मोदी वर्सेस मोदी के विरोधियों के बीच में हो रहा है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये स्ट्रेटेजी रही कि इसको जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उस रूप में कन्वर्ट किया जाए। हाँ। और मुद्दों के बजाय इसको मोदी के ऊपर जनमत संग्रह में कन्वर्ट कर दिया जाए। हाँ। तो ये जो पहली स्ट्रेटेजी थी भाजपा की उसमें वो सफल रही है। ये चुनाव इस तरह लड़ा जा रहा है जैसे ये राष्ट्रपति का चुनाव हो और मोदी उसमें और राहुल गांधी कैंडिडेट हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। दो दिन पहले मैं अपनी कार के अंदर हवा भरवाने गया तो मैंने उस सर्विस प्रोवाइडर से पूछा कि कौन जीत रहा है अजमेर में। तो उसने कहा मोदी जीत रहा है। तो मैंने कहा जी मोदी तो अजमेर से खड़ा नहीं हुआ है, तो कोई उम्मीदवार का नाम बताए। तो उस व्यक्ति को उम्मीदवार का नाम भी पता नहीं था और यही भाजपा चाहती थी। तो कुल मिलाकर मोदी जी और उनकी जो पार्टी है उसका पलड़ा राजस्थान में निश्चित रूप से भारी दिखाई देता है। आशीष सहमत हैं आप वेद प्रकाश जी की बात से कि मोदी को ही पूरी तरीके से बीजेपी ने फोकस किया और प्रेसिडेंशियल जैसे चुनाव यूएस में होते हैं उसी तरीके से चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल, मैं सुशील सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, सोशल मीडिया को पूरे अपने हाथ में लेकर कवर कर पूरा उन्होंने चुनाव लड़ा है, और एक मतलब एक ऐसा एक तरफा लगा है मुझे तो चुनाव की, ना जो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में तो एक तरफा चुनाव लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ही एक्टिव रही जो कि ना कांग्रेस को एक एक ना कहे कि बिल्कुल ना वो अपने बात को कह भी नहीं पाए, जनता तक पहुंच भी नहीं पाए। जो उन्होंने योजनाएं लाई या मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं, 72,000 रुपए की बात करते हैं, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाई बात। और बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल ना इसमें बिल्कुल फेल हुई है, अपने कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम रही है। हाँ। और कौन कौन से बिंदु आपको वेद प्रकाश जी नजर आए जिसको लेकर ये कहा जाए कि बीजेपी उसके अंदर सफल रही या कांग्रेस नाकाम हुई या कांग्रेस उसके अंदर सफल हुई, कुछ और बिंदु आपको नजर आए? क्योंकि ये पहला बिंदु तो आपने बता दिया कि मोदी टारगेट बन गए, मोदी को एक फेस वैल्यू बनाया गया देश में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कुछ बिंदु? देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस चुनाव के अंदर, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जब किसी परीक्षा के अंदर अपीयर होते हैं तो उनकी शर्त ये होती है कि पर्चा वो खुद बनाएंगे और प्रश्न वो खुद तय करेंगे। उसका परिणाम ये होता है कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो चूंकि पर्चा उनका खुद का बनाया हुआ होता है तो उनको वो सरल रहता है। इस चुनाव के अंदर भी जो प्रश्न है या मुद्दे हैं वो मुद्दे बने जो मोदी जी चाहते थे, जो मुद्दे राहुल गांधी चाहते थे बनाना वो मुद्दे ही नहीं बन पाए। उदाहरण के लिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि बेरोजगारी मुद्दा बने, वो नहीं चाहते थे कि किसानों की स्थिति कोई मुद्दा बने, वो चाहते थे कि राष्ट्र रक्षा मुद्दा बने, तो राष्ट्र रक्षा मुद्दा हो गया। और आश्चर्य की बात है सुशील जी कि एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उसके लिए भी ये जो राष्ट्र रक्षा और देशभक्ति बड़ा मुद्दा है। या पत्रकारों के लिए हो सकता है कि आश्चर्य की बात हो कि उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर देशभक्ति है, उसको मोदी जी ने पूरी तरह से कैश किया और कर रहे हैं।
इसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे हिंदुत्व का बीजेपी का हिडन एजेंडा है वो हरदम रहता है, उसका लाभ उनको मिलता है, मोदी का अपना करिश्माई पर्सनैलिटी है उनकी, उसका लाभ बीजेपी को मिलता है, उम्मीदवारों का चयन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बीजेपी जब भी उम्मीदवारों का चयन करती है चाहे वो सनी देओल का हो या हंसराज हंस का हो या दिया कुमारी का हो, उनके उम्मीदवारों का चयन बहुत अप्रोप्रिएट होता है, कांग्रेस यहाँ पे भी मात खा जाती है। एक बात और, समर्पित कार्यकर्ताओं की आप सालों से सुनते आए हैं कि बीजेपी के पास बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, दूसरे लोग हैं जो पूरे समर्पण से काम करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली मोदी जी के आने के बाद एक नई सेना खड़ी हो गई है जिसको कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग भक्तों की सेना कहते हैं। तो ये जो भक्तों की सेना है ये 24 घंटे बिना सैलरी बिना किसी मानदेय के काम करती है, और सोशल मीडिया उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जिस पर वो दिन रात खुल के खेलते हैं और मोदी जी का प्रचार करते हैं। रणनीति के मामले में आप जानते हैं कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग पड़ती है, सोशल मीडिया का वो बेहतर उपयोग कर रहे हैं। 3 बातें और मैं कहना चाहूंगा जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, जिसकी ओर शायद कांग्रेस का और पत्रकारों का उतना ध्यान नहीं गया हो। एक तो स्वच्छता अभियान को लेके जो भी कुछ जागृति आई है उसका लाभ भी कहीं ना कहीं मोदी या बीजेपी को मिलेगा, जो गांव में करोड़ों शौचालय बने हैं उसका फायदा भी मोदी को मिलेगा, और तीसरा जो गरीबों को गैस कनेक्शन मिले हैं उसका लाभ भी मिलेगा। तो ये 3 चीजें भी ऐसी हैं जो बीजेपी के जो वोट की किटी होगी उसको बढ़ाएंगी। अजी, लोकसभा चुनाव बहुत करीब से आपने भी इस बार देखा और बहुत बारीकी से समझा भी, लगातार आप खबरें लिखते रहे nptvindia.com के ऊपर। मुझे एक बात बताइए सर, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर्चा खुद ने बनाया, परीक्षा भी खुद तय कर रहे हैं, सब कुछ मतलब खुद तय कर रहे हैं एक तरीके से, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कहाँ तक उचित है कि इस तरीके से कोई कैंडिडेट अपना पर्चा खुद ही तैयार कर रहा है और खुद ही हो रहा है, ऐसा हुआ है या कांग्रेस मुद्दों को उठाने में सफल नहीं हो पाई चुनाव में? मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा सुशील, कि कांग्रेस मुद्दों को उठाने में सफल नहीं हुई, कांग्रेस अपनी बातों तक लोगों तक पहुंचाने में सफल नहीं हुई है। हमने कितनी बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात की है कि हाँ आपकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों है, तो उनका कहना यही होता है कि हमारी पार्टी कमजोर इसलिए है क्योंकि हमारे पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं होंगे तो आपकी बात लोगों तक, आपकी आपकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी। सुशील, जैसे प्रियंका गांधी ने दिल्ली में खड़े होकर एक मुद्दा बोला था कि ना नरेंद्र मोदी के पास में यदि बात है कहने की तो उनको दिल्ली में चुनाव जीएसटी नोटबंदी पे लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस को इतनी समझ है पहले से कि ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, तो कांग्रेस को पहले ही इन मुद्दों पे बात करना चाहिए था। क्यों कांग्रेस इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ी? नोटबंदी और जीएसटी इतना बड़ा मुद्दा है कि सरकार एक तरह से मतलब बहुत बड़ा खेल कर सकती थी, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा सुशील, वो ये कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान में तो कांग्रेस ने अपनी इसी मशीनरी के रहते हुए वो चुनाव जीता है, उसका मुख्य कारण ये रहा कि उन्होंने 3 मुद्दे क्रिएट किए, पहला किसानों की बदहाली का, दूसरा युवाओं की बेरोजगारी का, और तीसरा वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार का, और तीनों मुद्दों पे वो पब्लिक को कन्विंस करने में सफल रहे। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस का उम्मीदवारों का चयन पिछले विधानसभा चुनाव में बेहतर होता तो वो 140 से 150 सीटें आसानी से ला सकते थे, जो उन्होंने लूज किया वो भी सिर्फ इसलिए किया कि उनका उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं था। तो जब वो विधानसभा में ये कर सकते थे तो यहाँ भी थोड़ा सा बेहतर अपने मुद्दों को बेहतर ढंग से ला सकते थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। तो आपको ये लग रहा है कि जो नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा था वो वाकई कांग्रेस उठा नहीं पाई उस तरीके से जिस तरीके से उठाना था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठा पाई जरा भी तरीके से। और मैं कहता हूँ उन जीएसटी और इससे भी बड़े जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो किस जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, किसानों के मुद्दे हैं या युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे हैं। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा था, मैं कहता हूं कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए थी कि मोदी जी के जो पिछले चुनाव के भाषण थे 2014 के, वो दिखाए जाने चाहिए थे कि इन्होंने ये कहा, और अब आप खुद असेसमेंट करें कि इन्होंने किसको अचीव किया। एक बात और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन मुद्दों को अर्जुन की आंख की तरह हिट करने के बजाय भटक गई।
जैसे उन्होंने कहा जी ये सूझबूझ की सरकार है या चौकीदार चोर है। अब सूट पहनना, मुझे आप बताएंगे यदि प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े पहनता है तो कौन व्यक्ति ये कहेगा कि प्रधानमंत्री यदि अमेरिका की यात्रा पे जाएं तो लंगोट पहन के जाएं? ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, अच्छे कपड़े उनको पहनने ही चाहिए। या जो चौकीदार चोर है की बात कही, वो भी लोगों के गले इसलिए नहीं उतरी कि मोदी ने शुरू से अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, मार्केट किया है, या मैं कहूँ एडवर्टाइज किया है, उससे उनकी जो छवि बन गई एक ईमानदार आदमी की, जिसके परिवार नहीं है या जो अपनी भाइयों को भी अपने साथ नहीं रखते हैं और वो देश को ही अपना परिवार मानते हैं, तो वो जो उन्होंने अपनी छवि एक बड़ी चतुराई से बनाई है मोदी ने, उस छवि को वो नहीं भेज पाई कांग्रेस, उस छवि को कांग्रेस नहीं कर पाई। आशीष, चुनाव में आपको अजमेर सीट पर, हम आते हैं हम सीटों के ऊपर आते हैं, हम वापस जाएंगे हम उन मुद्दों के ऊपर किस पर बात हुई है, मुझे बताइए अजमेर के चुनाव में आपको क्या लगा रही जी? झुंझुनवाला और भागीरथ चौधरी जिस तरीके से चुनाव लड़ा, खूब पैसा पानी की तरह रिजू झुंझुनवाला ने बहाया, कांग्रेस में इस बार कहीं भी फूट नजर नहीं आई। जैसा कि कई बार हमने देखा अजमेर के अंदर जब कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो एक फूट नजर आती है, विरोध होता है, इस बार नजर नहीं आई, यानी कि कांग्रेस की जो फूट की जो कमजोरी थी उसको तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लिया, लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, मुझे सुशील कुछ और लगता है, कांग्रेस की फूट को ना उन्होंने दिखने नहीं दिया, पर कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार के साथ में, प्रत्याशी के साथ में, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में ये जुड़ नहीं पाए अच्छी तरह, और मुझे नहीं लगता कि ना कांग्रेस ने अच्छी तरह काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अजमेर में जिस तरह से टारगेट करते हैं वो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाई। यदि आप बोलते हैं कि बाहरी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बाहरी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा अजमेर में, रिजू झुंझुनवाला ने अपने आप को बता दिया कि वो स्थायी हैं, वो रहेंगे, काम करेंगे, बट लोगों तक तो वो अच्छा, मतलब जैसा सर ने कहा कि उनके जो मुद्दों के अंदर है रणनीति, कार्यकर्ता, हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा बीजेपी के लिए और कांग्रेस में बहुत बड़ी कमी इस चुनाव में देखने को मिली। आपको क्या लग रहा है सर, राजस्थान के अंदर कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है और कितनी बीजेपी जीत रही है, पहले उसी पर जाते हैं। चलिए, मैं सीट से पहले अजमेर की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि झुंझुनवाला ने स्थानीय मुद्दे उठाए, उन्होंने तीन मुद्दों पर बात की, जल समस्या पे की, औद्योगिकरण पे की, और तीसरा उन्होंने जो बात की विकास, मतलब कौशल विकास की भी बात की उन्होंने, तो उनके जो मुद्दे थे झुंझुनवाला के वो निश्चित रूप से सकारात्मक थे। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन ये था कि मोदी फैक्टर जो है कि जब इस देश को सिर्फ मोदी चला सकता है, ये जो बात मोदी एंड कंपनी ने या उनकी पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के दिमाग पे हावी की है, तो लोग अपनी जल समस्या को भूल गए, मतलब पाकिस्तान महत्वपूर्ण हो गया और जल समस्या गौण हो गई, तो ये बीजेपी की सफलता है। बाकी झुंझुनवाला ने मेरे अनुसार चुनाव अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बेहतर लड़ा। ठीक है, जब भी कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आता है तो वो स्थानीय लोगों पे निर्भर करता है, और यदि वो अपने प्रचार के लिए पैसा भी वितरित करता है तो नेचुरली स्थानीय नेताओं के द्वारा वितरित करेगा, और वो पैसा ठीक से फील्ड तक नहीं पहुँचता, ये भी सत्य है, और झुंझुनवाला केस में ज्यादा रहा है। राजस्थान के अंदर क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस कितनी कितनी सीटें जीतने वाली है? देखिए, एक कड़वा सत्य ये है कि आज कांग्रेस ताल ठोक के एक सिंगल सीट के बारे में भी ये नहीं कह सकती कि सब हम ये सीट तो जीतेंगे जीतेंगे, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए हम जीतेंगे जीतेंगे। तो मुझे लगता है, मेरा मैं तीन सीटों के बारे में मानता हूँ कि जहाँ पे कांटे की टक्कर है, नागौर, बाड़मेर और अलवर, ये तीन सीटें, और तीन सीटें ऐसी हैं जिनको जो आरएसएस है, मुझे ऐसा पता लगा है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे कहता है कि टोंक, करौली और दौसा वहां कड़ा संघर्ष है, जबकि इंटरेस्टिंगली जो आरएसएस है वो नागौर, बाड़मेर और अलवर में कंटेस्ट ही नहीं मानता, वो मानते हैं कि ये सीटें तो हम आसानी से जीत जाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये बनी कि 25 में से 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट पलड़ा भारी है, और 6 में संघर्ष है, जिनमें नागौर, बाड़मेर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, ये 6 सीटें हैं जिनमें कुछ कंटेस्ट नजर आता है। तो अब मान लीजिए इन 6 में से 2-3 सीटें और कांग्रेस हार जाती है, तो मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कम से कम 21 सीटें जीतेगी। आपको मेरा आकलन हो सकता है, आप सहमत ना हो, और फलोदी का जो सट्टा मार्केट है
उसका ये कहना है कि 19 से 21 सीटें बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की आ रही है। फलोदी का सट्टा बाजार और आपका आकलन है कि 21 सीटें बीजेपी इस बार जीत रही है। आशीष, बीजेपी कितनी सीटें राजस्थान में और कांग्रेस कितनी? सुशील, बीजेपी इस बार करीबन 16 सीटों पे तो बिल्कुल जीत रही है, और 4 से 5 सीटें हैं जिन पर ना कड़ी टक्कर है कि कोई भी जीत सकता है, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, कोई भी जीत सकता है। और निर्दलीय विधायक भी बहुत, मतलब सांसद भी बहुत अच्छी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और 3 से 4 सीटें हैं जो सर ने सही बताया है, कि सर ने जो बताया है मैं भी उनकी बातों पे एग्री करता हूँ कि 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, बस 3 से 4 सीटें। उस बात से भी सहमत है कि कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि कौन सी सीट वो ताल ठोक के बोलते कि हम जीत रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है सुशील। कुछ सीटें हैं जो लगता है कि कांग्रेस जीत, मतलब 100% संभावना है कि वो जीत गई है एक तरह से। जैसे वैभव गहलोत जोधपुर की सीट में बहुत कड़ी टक्कर दी जा रही है इस बार, और ना वहाँ शेरगढ़, लोहावर, सुजानगढ़ जो जो आपके अशोक गहलोत विधायक है वहाँ के, तो वो सीट बहुत ना स्ट्रांग है और उसकी वजह से कांग्रेस के लिए स्ट्रांग। कांग्रेस, देखिए मैं सुशील इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब भी पत्रकार आकलन करते हैं किसी भी सीट का तो वो जातिगत वोटों के आधार पर करते हैं। जैसे कि कोई राजपूत वोट बटन दबाते हैं एक तरफ चले जाएंगे, जाग बटन दबाते हैं एक तरफ चला जाएगा, या कायस्थ वोट बटन दबाते एक तरफ जाएगा। मेरा यह कहना है कि राजस्थान का जो ताना बाना है उसमें उम्मीदवार की जाति के लोग तो उसको वोट देने में प्राथमिकता देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आपने वैभव गहलोत की चर्चा की, तो मान लीजिए जोधपुर के अंदर माली हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग 99% माली मेरी निगाह के अंदर वो उनको वोट देंगे। लेकिन दूसरी जातियां बल्क के अंदर एक तरफ चली जाए किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो संभव नहीं है। तो वहां मोदी फैक्टर काम करेगा, और जहां मोदी फैक्टर काम करेगा तो भाजपा फायदे में रहेगी, एक बात। दूसरी बात, जहां तक वैभव गहलोत का सवाल है, मुझे लगता है कि मुझे वैभव गहलोत में या अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती कि अशोक गहलोत आज भी लोकप्रिय है, और सरदारपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, मेरा ये मानना है कि उस विधानसभा क्षेत्र में वैभव गहलोत को 30-40 हजार वोटों की बढ़त मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जोधपुर की आप बात करें तो मुझे कतई कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती कि वैभव गहलोत जीतेंगे चुनाव। मुझे ये लग रहा है कि वैभव गहलोत 100% चुनाव हारेंगे। उसका मोदी फैक्टर के अलावा जो दो और फैक्टर हैं वो ये हैं कि जो जाट मतदाता हैं, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में नहीं है वो, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ जो मदेरणा परिवार उनसे नाराज रहा, उसका नुकसान गहलोत को होगा। दूसरा जो विश्नोई कम्युनिटी है वो भी नाराज है, हालांकि मैंने जैसा पहले कहा कि कोई कम्युनिटी पूरी की पूरी एक तरफ नहीं जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर जोधपुर संसदीय क्षेत्र में चूंकि उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है विश्नोइयों की और जाटों की, तो इसलिए वहाँ उनको नुकसान होगा। दूसरा क्या है कि देखिए कई जगह क्या है कि लोग नेशनल लेवल पे लोकसभा में वोट करते हैं तो उनके मानदंड और होते हैं, विधानसभा में और होते हैं। मैं आपको छिंदवाड़ा का उदाहरण दूं, मैंने छिंदवाड़ा को नजदीक से देखा है, मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ। तो वहाँ क्या है कि जो अनपढ़ वोटर है, कोई आदिवासी है, वो लोकसभा में कमलनाथ जी को वोट देता था, विधानसभा के अंदर वो बीजेपी को देता था, और नगर निगम में किसी निर्दलीय को देता था, या पंचायत के चुनाव में किसी निर्दलीय को देता था। तो मतदाता को ये समझ है। अब दिल्ली का एग्जाम्पल है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जीती है पिछली बार, उस हिसाब से 7 सीटें आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल से वो एक सीट ले पाए तो ले पाए, दूसरी तो नहीं ले पाएंगे 7 में से। उसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि लोग आपके खिलाफ है, उनको लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के लिए और बाकी बीजेपी कांग्रेस हैं ये नेशनल हैं। तो जोधपुर के अंदर भी ये मुद्दा बनेगा कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं वो केंद्र के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बीजेपी वो लोग ये चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, मेरी निगाह में लोग ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को प्रेफर करेंगे। हालांकि वो गहलोत जी का भी उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही प्यार गहलोत जी से करते हैं, लेकिन वोट इस चुनाव में उधर जाएगा, वोट डाइवर्जन होगा। खास बात यह है कि इस चुनाव के अंदर 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव हो सकता है अगर वहां से उम्मीदवार जीत गए, क्योंकि वहां से 4 विधायक आते हैं। उन सीटों के मैं आपको नाम बताता हूँ, चुरू की सादुलपुर सीट है, झुंझुनू की मंडावा सीट है, कोटा की पीपलदा और नागौर की खीवसर विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना लगभग तय हो सकता है अगर ये जीतकर आते हैं, क्योंकि सादुलपुर से
चूरू की इस विधानसभा सीट के ऊपर कृष्णा पूनिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कृष्णा पूनिया अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव जीत रही है। सर एक बात और जानना चाहूँगा, कृष्णा पूनिया का नाम आती है, एक सीट मेरे दिमाग में आती है जयपुर ग्रामीण की, जहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कृष्णा पूनिया दोनों खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ने मेडल लिए हैं, इन दोनों की टक्कर आपको कैसी नजर आ रही है, कौन यहाँ पर जीतने वाला है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या कृष्णा पूनिया? देखिए मुझे बड़ा ये एक तरफा मुकाबला लगता है, आप वैसे भी पर्सनलिटी वाइज देखें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो राष्ट्रीय लेवल पे, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। कृष्णा पूनिया को मुझे नहीं लगता कि उनके विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो विधायिका हैं या जहाँ से वो लड़ रही है उसके बाहर लोग जानते होंगे, एक बात। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि यदि बीजेपी वसुंधरा को हटा के राज्यवर्धन सिंह राठौर को एक साल पहले बना देती तो बीजेपी सत्ता में आ सकती थी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो बड़ी रेस्पेक्ट कमांड करते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, बीजेपी जब से पावर में आई है उन्होंने एक ऐसा देशभक्ति का माहौल बना दिया है कि उसमें आर्मी के लिए लोगों का सम्मान बढ़ गया है, उसका बेनिफिट भी राज्यवर्धन सिंह को मिलेगा कि जो आम सिविलियन है, आम नागरिक है, वो भी आर्मी के लोगों का ज्यादा सम्मान करते हैं। तो राज्यवर्धन हर तरह से एडवांटेज पे है, ये एक तरफा मुकाबला है और वो भारी मतों से राज्यवर्धन सिंह राठौर जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना। आशीष सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, इस बार भारी रहेंगे निशानेबाज, निशानेबाज का निशाना परफेक्ट होगा इस बार और वापस से लोकसभा में जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। अजमेर से हम बता चुके हैं कि भागीरथ चौधरी की पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीतेंगे और शायद लगभग 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है, कम से कम 1 लाख वोटों से रिजु झुंझुनवाला हार सकते हैं, ये मिनिमम आंकड़ा है जैसा कि विश्लेषण हम लोगों का हुआ है, वोटरों से बात हुई है, जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, वोटर ने जिस तरीके से बात एमपीटीवी इंडिया को बताई है। टोंक और सवाई माधोपुर की सीट पर मैं आऊंगा सर, टोंक और सवाई माधोपुर की सीट आप कांग्रेस को कह रहे हैं जहां पर टक्कर है थोड़ी सी, कांग्रेस कंफर्टेबल है, उसका कारण आप समझ सकते हैं कि वहां बड़ी संख्या में मीणा मतदाता हैं और बड़ी संख्या में गुजर मतदाता हैं, तो वहां नमोनारायण मीणा उनकी अपनी छवि भी अच्छी है, वो आईपीएस अधिकारी रहे तो उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी नजर आता है, लेकिन मोदी की जो लहर या वो है चुनाव के बाद हमें पता लगेगा कि ये लहर थी, आंधी थी या कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छुपी हुई लहर मोदी की है और वो 23 को शायद आप भी मान लें। एक और महत्वपूर्ण सीट आती है नागौर की, जिसको जो सबसे हॉट सीट पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है, हनुमान बेनीवाल आरएलपी से नेता है लेकिन अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि गठबंधन हो गया है, और ज्योति मिर्धा कांग्रेस से है, यहाँ पर आपको क्या लगता है नागौर में कि बेनीवाल ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे ज्योति मिर्धा, क्योंकि दोनों की लड़ाई ऐसी तूतू में ऐसी चल रही है चुनाव में जो नजर आई है, उसको देखकर क्या लगता है? देखिए व्यक्तिगत मेरी जो ओपिनियन है वो कुछ और है, सट्टा मार्केट कुछ और कहता है। व्यक्तिगत ओपिनियन मेरी ये है कि यहाँ पे ज्योति मिर्धा को जीतना चाहिए, उसका कारण क्या है कि जो जाट वोट हैं वो तो ज्योति मिर्धा को कम मिलेंगे, बेनीवाल को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो बेनीवाल का व्यक्तित्व है वो जिस तरह के बगावती तेवर शो करते हैं वो जाट कम्युनिटी को सूट करता है, जाट कम्युनिटी भी थोड़ी सी एग्रेसिव है और वो पसंद करते हैं कि उनकी बात को मुखर ढंग से रखा जाए जैसा बेनीवाल रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण और बनिए हैं जो कि भाजपा के परंपरागत वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि बेनीवाल आ गए तो शायद कुछ खास लोगों की दादागिरी वहाँ उस संसदीय क्षेत्र में शुरू हो जाएगी, तो वो लोग ज्योति मिर्धा की तरफ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि बेनीवाल ने बाड़मेर में बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, उससे नागौर के जो राजपूत हैं वो खफा हैं, क्योंकि जो बाड़मेर की सीट है वो राजपूतों के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, तो वो लोग भी मुझे लगता है ज्योति मिर्धा की तरफ जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली सट्टा मार्केट है वो अभी भी थोड़ी सी स्थिति बेनीवाल की बेहतर बता रहा है। यानी कि आपके आकलन के हिसाब से बाड़मेर में कांग्रेस ने मानविंदर सिंह को जो टिकट दिया उसका असर नागौर की सीट पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, वो दोनों सीटें काफी कनेक्टेड है। आशीष मुझे लगता है सुशील पर्वत सर डिडवाना में ज्योति मिर्धा बहुत मजबूत चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ऑलरेडी विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ उड़ रही है, और जो पर्वत सर की जगह है वहाँ पर हम चुनाव विधानसभा चुनाव में गई भी थे, माहौल देखा था हमने, कांग्रेस के पक्ष में बहुत दिखाई दिया था इस सीट के ऊपर। क्या बेनीवाल जिस तरीके से आए हैं वो नहीं लग रहा
सुशील मुझे लग रहा है कि ना जो हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के साथ में गठबंधन करके बीजेपी ने चुनाव लड़ रहे हैं, बट यहाँ पर मुस्लिम मतदाता और ना एसटी एससी का बहुबल इलाका है, और जातीय समीकरण से देखा जाए तो ज्योति मिर्धा 40 से 50 हज़ार वोटों से जीत रही है। 40 से 50 हज़ार सीटों से ज्योति मिर्धा वहां पर जीत रही है। बाड़मेर पर आता हूँ क्योंकि बाड़मेर का जिक्र हुआ है। कैलाश चौधरी बीजेपी से हैं और मानविंदर सिंह कांग्रेस से हैं। बाड़मेर की स्थिति सर, कैलाश मानविंदर सिंह चुनाव हार चुके हैं वसुंधरा राजे के सामने से, और इस बार क्या स्थिति है बाड़मेर में, क्या लग रहा है लोकसभा में? देखिए, बाड़मेर में 2014 के अंदर जब आदरणीय जसवंत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, आपको ये पता है कि उस समय जसवंत सिंह जी अपने आप में बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और वो मेरी निगाह में एक प्रधानमंत्री के योग्य पर्सनैलिटी जसवंत सिंह जी की थी। तो क्या अब उनके वो जब वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए तो उसी मैदान जंग में उनके पुत्र जिनका व्यक्तित्व और जिनका अनुभव निश्चित रूप से जसवंत सिंह जी जैसा नहीं है, क्या वो जीत पाएंगे? तो यहाँ अगेन वो 50-50 चांस वाली बात लगती है, और यदि मोदी फैक्टर काम कर गया तो वहां पे भी मानवेंद्र सिंह चुनाव हार जाएंगे। मानवेंद्र सिंह आप कह रहे हैं चुनाव हार सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बाड़मेर की सीट बड़ी टक्कर की सीट है, क्योंकि मानविंदर के पास में यदि वोट परसेंटेज देखा जाए तो मुस्लिम मुस्लिम मतदाता राजपूत और एसटी और एससी के बहुबल सीट है, और सेम यदि हम देखते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी आए थे और सनी देओल ने भी रोड शो किया था, जो रोड शो बना सुर्खियां बना था कि बहुत अच्छा रोड शो बना था। बाड़मेर में सनी देओल गए थे, अजमेर में रोड शो था, उसके बाद सीधा बाड़मेर ही वो गए थे और वो रोड शो का बहुत जिक्र हुआ था। तो उससे कहा जा सकता है कि ना ये सीट टक्कर की है, यहाँ पे कैलाश चौधरी भी जीत सकते हैं और ये मानिंदर भी जीत सकते हैं। अच्छा, यानी कि सर कह रहे हैं 50-50 है, बिल्कुल हम मान सकते हैं कि 50-50 का आंकड़ा यहाँ पर चल रहा है। कोटा की सीट पर मैं आ जाता हूँ, ओम बिरला और रामनारायण मीणा, ये दो हैं बीजेपी से ओम बिरला हैं, रामनारायण मीणा कांग्रेस से है। कोटा में क्या लग रहा है सर? कोटा देखिए, कोटा में क्या है कि जो ओम बिरला हैं उनको एक ही चीज से संकट है, वो है भीतरघात। जो उनके विधायक हैं या जिनको टिकट नहीं मिला, सफल है सफल एमएलए हैं, बहुत सारे लोग उनकी जड़ काटने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि उसकी मास अपील हो, कि उसका पता लगे कि वो इशारा कर दे उधर ही वोटर चला जाए। फिर लोकसभा चुनाव में कोई छोटे मोटे नेता यदि सेबोटेज करते हैं तो उससे 10-15 हज़ार वोटों का फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि घूम फिर के ओम बिरला वहाँ पे चुनाव जीत लेंगे, मुश्किल नहीं लगता। हालांकि वहाँ मीणा मतदाता भी बड़ी संख्या में है और निश्चित रूप से उनके वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेंगे, लेकिन कुल मिला के ओम बिरला आसानी से इस चुनाव में जीत जाएगी। हाड़ौती की सीट पर कोटा पे आशीष क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ओम बिरला, शुरुआत तो एक्चुअली ये ना रामनारायण मीणा ने बहुत अच्छी की थी, और ना जो शुरुआत की थी धमाकेदार एंट्री के साथ में उन्होंने अपना शुरू किया था, और शुरू में पहले कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा था, बट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि है, राष्ट्रवाद की बात हुई है, तो उसके बाद में ये टक्कर हुई और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भारी है वहाँ पे, बीजेपी भारी है। ओम बिरला, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपने जो बात कही मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ कि शुरू में उनका पलड़ा भारी लग रहा था रामनारायण मीणा जी का, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजकल देखिए टेलीविजन एक बहुत बड़ा माध्यम है, टेलीविजन पे जिस तरह की बमबारी की है, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, कब्जा एक तरीके से कर, कब्जा करके सुबह शाम मोदी जी अपने अपने इश्यूज रेस करते हैं, और जब मतदाता कंपैरिजन करता है राहुल गांधी का और उनका, जबकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष के वो उम्मीदवार हो राहुल गांधी, ये उम्मीदवार तो मोदी जी ने घोषित किया उन्होंने, मतलब जैसा मैंने कहा कि वो क्वेश्चन भी तय करते हैं और उनका प्रतिद्वंदी कौन है ये भी उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया कि राहुल गांधी है। तो वो जो कंपैरिजन होता है तो आम आदमी को ये लगता है कि यार ये तो राहुल गांधी अभी उतने परिपक्व नहीं है जितने नरेंद्र मोदी हैं, तो उसका फायदा उनके सारे उम्मीदवारों को मिलेगा। अब जैसे आप मेरे साथ जयपुर चलिए उदाहरण के लिए, वहाँ जो मौजूदा सांसद हैं, आप मैं 10 लोगों से पूछूंगा वहाँ भीड़ में खड़ा होकर कि आपके सांसद का नाम बताएं, 9 लोगों को उस सांसद का नाम पता नहीं है, वो फिर भी वो जीतेंगे। जयपुर के सट्टा बाजार में इस बात को लेकर सट्टा हो रहा है कि ज्योति खंडेलवाल कितने लाख वोट से हारेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, कोई नहीं ये कह रहा कि कौन जीतेगा, वो कहते हैं कि भाई जीतना तो बीजेपी के उम्मीदवार को है, लेकिन मजेदार बात है कि वो सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के मौजूदा जो कैंडिडेट हैं,
लेकिन मुझे भी उनका नाम अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ उल्लेख नहीं कभी ना बोला ना कहा ना किया। तो मुझे ज्योति खंडेलवाल का जिक्र हुआ तो जयपुर की सीट पर भी आते हैं। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और रामचंद बोरा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो आप कह रहे हैं कि रामचंद बोरा जी का नाम आप कभी अखबार में भी नहीं पढ़ा होगा आपने, ना कहीं चर्चा में आता है ना, लेकिन मोदी फैक्टर की वजह से जीत मोदी फैक्टर हो जाएगी। आशीष मोदी फैक्टर बिल्कुल यहाँ पे भी मोदी फैक्टर बहुत हावी है और सीधे सीधे वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पाली के ऊपर आते हैं। पीपी चौधरी हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ा है 23 मई को, वैसे तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस से हैं, कांग्रेस ने वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर भी की है। पीपी चौधरी बनाम बद्रीराम जाखड़ सर पाली के अंदर, यहाँ भी एक तरफा है और बीजेपी ये सीट जीतेगी। मुझे भी लग रहा है फिर से एक बार पीपी चौधरी वापस संसद जाएंगे। मोदी फैक्टर, बिल्कुल मोदी फैक्टर है यहाँ पे, राष्ट्रवाद मतलब बहुत मोदी फैक्टर। उदयपुर की सीट पे आते हैं, एसटी की सीट है, कांग्रेस से अर्जुन लाल मीणा है और माफ कीजिएगा कांग्रेस से रघुवीर सिंह मीणा है और बीजेपी से अर्जुन लाल मीणा है। यहाँ पर सर इन दोनों की टक्कर, दोनों मीणा उम्मीदवार हैं, क्या लगता है? एसटी की सीट है उदयपुर की, देखिए उदयपुर में भी वो कमजोर कैंडिडेट है ये मानना पड़ेगा आपको। कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है पहली बात। दूसरी बात देखिए वहां से गिरिजा व्यास निकली हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका मासेस में कनेक्ट नहीं रहता। यदि गिरिजा व्यास कनेक्ट रहती मासेस से तो वहां बेहतर परिणाम आ सकते थे। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप अजमेर से रवाना होते हैं और भीलवाड़ा होते हुए उदयपुर पहुंचे, या इधर राजसमंद की कॉन्स्टेंसी को ले ले, मेवाड़ मारवाड़ चित्तौड़, इस सारी पट्टी पे बीजेपी आसानी से कब्जा कर लेगी, बहुत आसानी से। तो उदयपुर में मुझे कोई फाइट भी नजर नहीं आती, मुझे लगता है कि वहां बीजेपी आसानी से चुनाव जीत लेगी। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है सर? रघुवीर सिंह मीणा विधानसभा में चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी रघुवीर सिंह मीणा को सांसद उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया। नहीं, कांग्रेस ने और भी कई हारे हुए विधायकों को टिकट दिया है, तो इससे लगता है कि उनके पास उचित कैंडिडेट कई जगह नहीं थे। टिकट वितरण कांग्रेस का मान सकते हैं हम गलत हुआ है? नहीं, वो तो पिछले विधानसभा में जैसा मैंने बोला कि यदि ठीक से होता तो उस समय जो माहौल बना था वसुंधरा सरकार के खिलाफ, तो 140 से 148 से 150 सीटें आना मुश्किल नहीं था। आशीष मुझे लग रहा है सुशील के ना मोदी लहर के चलते रघुराम मीणा मुकाबले में भी नहीं है। मुकाबले yes. में भी नहीं है, पर देखिए इन्होंने अनोइंगली एक बात कह दी कि मोदी लहर के चलते। आज तक मीडिया में ये बात नहीं आई है, कोई भी पत्रकार ये बात नहीं मानता कि मोदी लहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक अंडर करंट है मोदी के बारे में। और आप एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उससे भी यदि पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि आएगा तो मोदी। ब्रांडिंग और मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ बीजेपी का, शायद इसलिए जो छोटा छोटा बच्चा है उसके जबान के ऊपर भी मोदी का नाम दिख रहा है। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह निगाहें टिकाए हुए, वो उस सीट को खोना नहीं चाहते हैं। मैं अगली सीट के ऊपर आता हूँ। उदयपुर की सीट हो गई है और एसटी की बांसवाड़ा सीट है, कनकमल कटारा और ताराचंद भगोरा। ताराचंद भगोरा कांग्रेस से हैं, कनकमल कटारा यहाँ पर बीजेपी से हैं। बांसवाड़ा में सर क्या लगता है कि बांसवाड़ा में नजर आएगा वो या फिर कोई और नजर आएगा यहाँ पर? और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बीटीपी नाम की जो पार्टी बनी है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है क्या? बीटीपी देखिए बीटीपी ही खेल बिगाड़ेगी। यदि वहाँ कांग्रेस की सीट थी जो इजीली कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया इसका फायदा अगेन बीजेपी को मिलेगा। देखिए कई बार ऐसा लगता है मुझे कि आज की जो माहौल बना उसमें सारे स्टार्स हैं वो बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। आशीष मुझे यहाँ लगता है सुशील मुकाबला बीजेपी और बीटीपी का है, ना कांग्रेस तीसरे नंबर पे। ये और भी यानी कि बांसवाड़ा की सीट बिल्कुल कांग्रेस को भूल जानी चाहिए, अब आदिवासी जो पार्टी नई बनी थी उनके नाम छोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। चित्तौड़गढ़ पे आते हैं, सीपी जोशी हैं बीजेपी से और गोपाल सिंह इडवा हैं कांग्रेस से। चित्तौड़गढ़ में क्या लगता है सर? देखिए अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये एक तरफा मुकाबला है। और चित्तौड़ और राजसमंद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ दिया कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट है, तो ये जो दोनों सीटें हैं चित्तौड़ और राजसमंद, इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, बहुत बड़ी मात्रा से। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि अजमेर चित्तौड़गढ़ राजसमंद जयपुर ग्रामीण ये रिकॉर्ड सीटों वाली
सीटें बीजेपी की हैं जो इनको रिकॉर्ड, अजमेर को मैं रिकॉर्ड तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। चलिए, राजसमंद का जिक्र भी हो गया है, कोटा का जिक्र हम कर चुके हैं, भीलवाड़ा की सीट पर हम आ जाते हैं। सुभाष चंद बहेरिया है बीजेपी से और रामपाल शर्मा है कांग्रेस से। भीलवाड़ा में क्या स्थिति लगती है सर? भीलवाड़ा से पहले रिजु झुंझुनवाला टिकट मांग रहे थे लेकिन पार्टी ने उनको नहीं दिया, अजमेर भेज दिया, यहाँ की स्थिति आपको क्या लगती है? देखिए, वहाँ रिजु झुंझुनवाला चुनाव लड़ते तो मेरी दृष्टि में वो बहुत मजबूत कैंडिडेट होते और हो सकता है वो सीट निकाल भी लेते, लेकिन सीपी जोशी नहीं चाहते थे। जो अभी मौजूदा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो सीपी जोशी की सिफारिश से उनको टिकट मिला है, लेकिन वो ये स्थिति है कि वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। वहां पर भी बीजेपी को आप जीत बता रहे हैं आशीष? मुझे लगता है संघ की सक्रियता की वजह से भीलवाड़ा, हाँ, बिल्कुल भीलवाड़ा में संघ काफी सक्रिय है, सक्रियता की वजह से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। संघ की वजह से भीलवाड़ा की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण सीट एक और आती है, झालावाड़ और बारा, दुष्यंत सिंह बीजेपी से, प्रमोद शर्मा कांग्रेस से, दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे। क्या लगता है सर, एक तरफा जीत है या यहाँ पर कोई टक्कर है? देखिए, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि वैभव गहलोत और दुष्यंत सिंह में क्या अंतर है? दोनों एक तरह के जो आधुनिक राज परिवार हैं उनसे संबंध रखते हैं, ये भी राज परिवार ही कहूँगा अशोक गहलोत जी का। तो इसमें बेसिक फर्क ये है कि झालावाड़ कंपैरेटिवली बैकवर्ड एरिया है, जोधपुर कंपैरेटिवली एक प्रगति वहाँ पे प्रगतिशील एरिया, प्रगतिशील है। तो क्या होता है कि जो बैकवर्ड एरिया का आदमी होता है वो अपने नायक को एक बार चुन लेता है और वो बस नायक के गले में माला ही डालता रहता है। तो ये अच्छा, वसुंधरा जी ने अपने कार्यकाल में वहाँ काम भी किया है, काफी कुछ उन्होंने वसुंधरा जी ने झालावाड़ क्षेत्र में कुछ किया है। मैं जब बैंक के अंदर होता था तो हमने भी लगभग 10 करोड़ रुपए का एक फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज वसुंधरा जी के कहने पर उनके लोकसभा क्षेत्र में बनाया था किसानों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड एरिया का आदमी उस काम के लिए धन्यवाद देता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है। और जोधपुर चूंकि एक फॉरवर्ड एरिया है इसलिए वहाँ आदमी उस तरह से वोट नहीं करता, उसके वोट देने के मानदंड और होते हैं। जैसे मैंने कहा वहाँ मोदी फैक्टर होगा, मोदी के वो रेफरेंडम के हिसाब से वोट पड़ेगा। तो यदि वैभव गहलोत टोंक सवाई माधोपुर या किसी बैकवर्ड एरिया से लड़ते तो मेरे हिसाब से बेहतर स्थिति में होते। चलिए, 4 सीटों के ऊपर और आ जाता हूँ। 4 सीटें एससी की हैं, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 सीटें हैं। गंगानगर से बीजेपी के उम्मीदवार थे निहाल चंद चौहान और भरतराम मेघवाल कांग्रेस से हैं, बीकानेर से अर्जुना मेघवाल कांग्रेस से मदन गोपाल मेघवाल हैं, भरतपुर से रंजीता कोहली हैं और वहीं कांग्रेस से अभिजीत कुमार जाटव है। करौली धौलपुर जैसी की सीट है, वहाँ से मनोज राजौरिया और संजय कुमार जाटव कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले सर, गंगानगर की सीट के ऊपर क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस, निहाल चंद चौहान बनाम भरतराम मेघवाल? देखिए, गंगानगर वैसे तो बड़ी टिपिकल सीट है लेकिन एंड आते आते शुरू में ये सीट कांग्रेस की लगती थी, लेकिन जैसा अपन चर्चा कर रहे हैं कि शुरू में बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस की बढ़त लगती थी, गंगानगर भी उनमें से एक है। बीकानेर में भी कांग्रेस की बढ़त लगती थी लेकिन ये दोनों सीटों पर कांग्रेस आती हुई लग रही, सॉरी बीजेपी आते हुए लग रही है। और बीकानेर से अर्जुनराम मेघवाल की जीत हम तय, और बीकानेर में क्या है कि देवी सिंह भाटी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने अर्जुन मेघवाल से उनकी पर्सनल कोई रंजिश रही होगी तो उन्होंने काफी उनका विरोध किया, लेकिन इस सब के बावजूद जो मेघवाल कम्युनिटी है, देखिए अर्जुन मेघवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान मेघवालों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हर काम में, यदि मेघवाल को उनके पास गया तो उन्होंने उसको काफी काम किया। और अर्जुन मेघवाल एक्टिव सांसद रहे हैं, मैं दिल्ली में कई बार उनसे मिला भी हूं तो वो काफी सक्रिय सांसद रहे हैं, तो मुझे उनकी जीत में कोई संशय नहीं लगता। काफी सक्रिय सांसद रहे हैं आशीष, गंगानगर, बीकानेर, बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। चलिए, भरतपुर और करौली धौलपुर के सीट पे आते हैं, रंजीता कोहली बनाम अभिजीत कुमार जाटव सर, भरतपुर के अंदर क्या लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस ज्यादा भारी है बीजेपी? देखिए, भरतपुर तो फिलहाल बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि करौली धौलपुर एक ऐसी सीट है जहाँ पे आरएसएस को भी डाउट है कि वो उनके हाथ से ना निकल जाए। तो इन 4 सीटों में से सिर्फ करौली धौलपुर एक ऐसी सीट है जिस पे कांग्रेस के आने की संभावना है। दोनों ही सर कांग्रेस ने जाटव उम्मीदवार दिए हैं, भरतपुर में भी अभिजीत कुमार जाटव दिए और 38 सीटें हैं, क्या दोनों सीटें हम कांग्रेस की कहें या करौली धौलपुर हम सिर्फ कांग्रेस की कहें यहाँ पर? नहीं, केवल करौली धौलपुर, करौली धौलपुर आपको क्या लग रहा है? करौली कांग्रेस आ रही
भरतपुर में नहीं लग रहा आपको? नहीं, नहीं लगता वहाँ। भरतपुर में बीजेपी आ रही है और करली दौरपुर के अंदर कांग्रेस आ रही है। ये सीट बसती है आखिरी दौसा की एसटी की सीट है, जसकोर मीना बनाम सविता मीणा। यहाँ क्या लग रहा सर, मीना और मीणा का फर्क है केवल दौसा के अंदर, और अंतर केवल मीना ना और ला का अंतर है। जाति समीकरण को अगर देखा जाए तो जसकोर मीना जो है वो बीजेपी से उतरी हैं और सविता मीणा जो है कांग्रेस से उतरी हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है सर? देखिए वहाँ पे क्या है कि जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे वो उनकी कार्यस्थली रही है दौसा, तो राजेश पायलट जी का जो प्रभाव गुजर कम्युनिटी पे था उसकी वजह से गुजर चाहे कोई भी कैंडिडेट हो तो उनका रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा। अब बात आती है मीणाओं की। देखिए मीणा में ये आपको मानना पड़ेगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के एक बेताज बादशाह हैं, और ठीक है उन्होंने इस बार समर्थन किया जसकोर मीणा का, सब कुछ सही है, लेकिन दिल से वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी के अंदर और कोई ऐसा नेता पैदा हो मीणाओं के अंदर जो कल उनकी जगह ले ले। और वो ये चाहते थे कि उनकी जो पत्नी है गोलमा देवी उनको टिकट दिया जाए, उन्होंने बहुत ट्राई किया। इसीलिए सबसे मुश्किल जो काम था बीजेपी के लिए राजस्थान में वो ये था कि सवाई माधोपुर से कैंडिडेट का चयन, क्योंकि किरोड़ी नहीं चाहते थे और बिना किरोड़ी के किसी और को टिकट देना बड़ा मुश्किल था। और गोलमा देवी की समस्या ये है कि वो पढ़ना लिखना तो दूर, पिछली बार जब वो विधायक बनती थी तो शपथ लेना भी नहीं ले पाई, शपथ लेने में भी उनको दिक्कत होती थी। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी ने बहुत संघर्ष किया है लोगों के लिए, ईमानदारी से संघर्ष किया है, इसलिए लोग उनको चाहते भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी दिल से चाहेंगे कि जसकोर मीणा जीते, और इसी फैक्टर की वजह से कांग्रेस वहाँ थोड़ी सी मजबूत दिखती है, यानी कि बितरकात होगा एक तरीके से। हाँ, कहा जाए बिल्कुल होगा, लेकिन इन सारी जो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 6 सीटें हैं जहां हम संघर्ष में मानता हूं, नागौर, बाड़मेर, अलवर, टोंक, करौली और दौसा, 6 सीटों की हमने बात की है। इन 6 सीटों पे संघर्ष नजर आता है, बाकी की 19 सीटों पे तो मुझे संघर्ष भी नजर नहीं आता। तो यहाँ पे इन 6 सीटों में ऊंट किस करवट बैठेगा वो मैं नहीं कह सकता। एक और सीट चर्चा की दृष्टि से छूट गई हमसे, अलवर। अलवर की सीट। हाँ, बिल्कुल। अलवर में बालकनाथ और जितेंद्र सिंह यहाँ पर लड़ रहे हैं, और बालकनाथ जो हैं वो कहा जा रहा है कि रामदेव ने खुद इनको आगे किया है और इनको बहुत सपोर्ट किया है योग गुरु बाबा रामदेव ने। आपको क्या लग रहा सर? देखिये मैं अलवर में रहा हुआ भी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अलवर के अंदर जो जितेंद्र सिंह जी हैं, एक तो उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया छवि है उनकी, लोग उनको चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन जहाँ तक यादव कम्युनिटी की बात है, यादव बहुत बड़ी संख्या के अंदर है अलवर में। हाँ। अलवर के अंदर तो अलवर में सर बालकनाथ, जितेंद्र सिंह, बालकनाथ मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बाबा रामदेव ने सपोर्ट किया उनको। देखिए जितेंद्र सिंह जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं और लोकप्रिय भी हैं, लेकिन जो वहाँ यादव है बहुत बड़ी संख्या में एक कम्युनिटी है, वो निश्चित रूप से उनको वोट करेगी बाबा को, क्योंकि वो यादव है। उसके अलावा फिर अगेन मोदी फैक्टर काम करेगा, वो सारी कम्युनिटीज पे मोदी फैक्टर काम करेगा, उससे वहाँ जितेंद्र सिंह जी जैसा योग्य आदमी भी मुझे खतरे में नजर आ रहा है। और मान लीजिए हमने सुशील जी, मान लीजिए हम जोधपुर में कांग्रेस कमजोर हो जाती है और अलवर में कमजोर हो जाती है, ये सीटें भी हारती हुई लगती हैं और हार जाते हैं मान लें, तो इस गणित से तो फिर 22-23 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की आ सकती हैं, यानी कि 3-4 सीटें ही कांग्रेस को मिलेगी फिर। आशीष, अलवर की सीट कांग्रेस कंफर्म मान रही है कि वो जीत रही है, लेकिन बिल्कुल जीत रही है कांग्रेस, जीत रही है हम ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस, लेकिन गणित क्या कहता है 23 मई को मालूम पड़ेगा। 3 सीटें और रह गई हैं, उस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर की सीट है, चूरू से राहुल कासवान बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अविक मंडेलिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, झुंझुनू से नरेंद्र खिंचल हैं, कांग्रेस से शिवन कुमार हैं और सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस से सुभाष महारिया हैं। इन तीनों सीटों के ऊपर क्या लगता है सर? चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू में मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है आई थिंक, क्योंकि चूरू में जब प्रधानमंत्री का भाषण था तब उन्होंने कहा था कि चूरू में जब मैं आया था तब एक खुशखबरी लाया था, जयपुर में आया, यानी कि जब दो इंसिडेंट हुए, एक सर्जिकल स्ट्राइक की और एक अभी जो खबर आई थी न्यूयॉर्क से चीन के बारे में आई थी, तो ये दोनों खबर राजस्थान से उन्होंने दी और ये दोनों सभाएं राजस्थान के अंदर हुई, इसका भी जिक्र हुआ। चूरू में क्या लगता है सर?
देखिए, चूरू में कांग्रेस ने रफीक जी को टिकट दिया है, जो ऑलरेडी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, और इन तीनों सीटों में सीकर की सीट ऐसी थी कि जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत है और जीत सकती है शुरू में, लेकिन क्या हुआ कि इन तीनों सीटों पे एक बात जिसकी और शायद हमारा ध्यान नहीं गया वो ये है कि इनमें जो भूतपूर्व सैनिक और मौजूदा सैनिक है और उनके परिवार है, उनकी फैमिलीज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब देखिए, जो बीजेपी के शासन में जो वन रैंक वन पेंशन का काम हुआ, नंबर एक, नंबर दो, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा, इस सबसे आर्मी को ये लगने लगा और आर्मी के जो परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिकों के परिवार हैं, उनको ये लगने लगा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देशभक्त है और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देशभक्त नहीं है। ये कांग्रेस ने कई जगह सेल्फ गोल कर लिया, जैसे उन्होंने कांग्रेस के कई छुटवैये नेता है, उन्होंने पूछा जी इसका क्या प्रूफ है, इसमें तो कौवा भी नहीं मरा सर्जिकल स्ट्राइक में। तो इस तरह की बातों से क्या हुआ कि जो सैनिक और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार, उनके परिवार में भी 4 वोट होते हैं, परिवार में 5 वोट होते हैं, उसका नुकसान इन तीनों सीटों पे कांग्रेस को होगा। या मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, आप इतिहास उठा के देखें तो ये वो बेल्टे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं रहा, झुंझुनू साइड में, इधर वहां के जो जाट थे, शीशराम ओला जी वहां के मंत्री रहे, तो उस जमाने में बीजेपी वहां एंटर नहीं हो पाई, लेकिन ये जो भूतपूर्व सैनिकों वाला फैक्टर है, इस बहाने वो जाटों में और दूसरी जातियों में एंटर कर गई और उन्होंने उनका समर्थन जीत लिया। झुंझुनू के अंदर यानी कि तीनों सीटें हम कह सकते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर बीजेपी के खाते में जा रही है, लेकिन झुंझुनू में संतोष अहलावत जो तत्कालीन सांसद थी, अभी भी हैं, यानी कि उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, क्या ये भीतरकात होने की संभावना झुंझुनू में? सुशील, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा, हो सकता है अपन 23 को फिर दोबारा यहाँ मिलेंगे। इस पूरे चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक फैक्टर होगा, वो है नरेंद्र मोदी आना चाहिए या राहुल गांधी आना चाहिए, और वो एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि उस मुद्दे के सामने संतोष अहलावत तो बहुत छोटा मोटा गौण हो गए, बिल्कुल छोटे मोटे मुद्दे हो गए, इनको कोई, इनकी अहमियत नहीं रहेगी। तो बीजेपी निश्चित रूप से कुल मिला के राजस्थान में और पूरे देश में एडवांटेज की स्थिति में। चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को ऐसे विश्लेषण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, बिंदु तो हमने बता दिए हैं महत्वपूर्ण। सुशील, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरा अपने आप को आंतरिक रूप और बाहरी रूप से देखना, वापस से रिफॉर्म करना चाहिए, पूरा रिफॉर्म करना चाहिए। और आप यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहें तो उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि मेरा अपना आकलन ये है कि बीजेपी अपने अकेले के बूते पे न्यूनतम 250 सीटें लाएगी। अब मान लीजिए वो 272 सीटें ना भी ला पाई, अपने बूते पे वो मेजोरिटी नहीं भी ला पाई, तो 250 का आंकड़ा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है कि इसको यदि पार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पे, तो कंफर्टेबल रहेगी। सहयोगी के 10-15 सांसद मैनेज करना बीजेपी के लिए बड़ी चीज नहीं है, और नवीन पटनायक और दूसरा जगन रेड्डी, ये दोनों मिलके भी कम से कम मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटें आसानी से लाएंगे, और ये दोनों आसानी से बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के एनडीए और बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति के अंदर है। आपने यदि नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू सुना हो तो उनको एक चुटकला सुनाया जी टीवी के संपादक ने, तो उसमें था कि आएगा तो मोदी ही, तो मोदी जी ने बोला कि आपके लिए जोक हो सकता है लेकिन ये रियलिटी है, आएगा तो मोदी ही। यानी कि हमारे विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। खैर, 17वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर कितनी, किन सीटों के ऊपर कैसी रही, इसके नतीजे आ जाएंगे, कौन नई सरकार बनाएगा, हिंदुस्तान का नया एक तरीके से प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मालूम पड़ जाएगा। और सभी को इंतजार है 17वीं लोकसभा के नतीजे 23 मई को फटाफट आएं, और कोशिश करेंगे कि हम 23 मई को एक बार फिर से जितना हमारे विश्लेषक बता पाए हैं, इसके ऊपर हम दोबारा से बैठें, आपको बता पाएं हमारी खबर, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।